कुर्बानी का त्यौहार बकरीद यानी ईद उल अजहा आज पूरी दुनिया के साथ ही मणिपुर में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। कहा जाता है कि इस दिन अल्लाह ने इब्राहिम की आज्ञाकारिता का परीक्षण लिया था। इब्राहिम ने अल्लाह को खुश करने के लिए अपने बेटे की कुर्बानी देनी चाहिए थी और उसी के बाद वह अल्लाह के पैगंबर बन गए। उस दिन के बाद इस्लाम को मानने वाला हर व्यक्ति अपनी किसी भी अजीज वस्तु की कुर्बानी अल्लाह को देता है। इम्फाल के बाबूपारा मस्जिद में आज मुसलमानों ने नमाज अदा की और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। आज का खास दिन जो है बकरा ईद का दिन जो कुर्बानी कहा जाता है कि माल वाला निसाफ वाला कुर्बानी करते हैं। ये कुर्बानी जो है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक कुर्बानी का सिलसिला जारी है, ता कयामत तक रहेंगे। ये अल्लाह ताला का बहुत पसंदीदा कुर्बानी है, इसलिए अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो अल्लाह के राह में कुर्बानी करो। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इनके बेटे को कुर्बानी के लिए तैयार किया कि मीना के पास के अपने बेटे को लेकर कुर्बानी के लिए चले गए। आज तक वो जारी है। हज करने वाला सभी ये कुर्बानी करते हैं क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इनके बेटे को कुर्बानी के लिए तैयार किया। त्रिपुरा में भी आज ईद की धूम है। यहाँ गेदू मियां मस्जिद में मुसलमानों ने विशेष नमाज अदा की। सिर्फ स्थानीय मुसलमानों ने ही नहीं, नमाज में बाहरी राज्यों से आए मुसलमानों समेत बीएसएफ और आर्मी के जवानों ने भी भाग लिया। बकरीद को अरबी में ईद उल जुहा कहते हैं। इस्लामिक मान्यता के अनुसार हजरत इब्राहिम अपने पुत्र इस्माइल को इसी दिन खुदा के लिए कुर्बान करने जा रहे थे तो अल्लाह ने उनके पुत्र को जीवन दान दे दिया, जिसकी याद में यह पर्व मनाया जाता है। यह पर्व सद्भाव और भाईचारे का पर्व है। जो हमारे लिए प्रिस्क्राइब किया गया कुरान में, उस हिसाब से हम कुर्बानी दें। तो हमारा इधर क्या होता है कि गोट, ज़्यादातर गोट ही कुर्बानी होता है और सबके लिए ये ज़रूरी नहीं है। जिसके माली हालत कुर्बानी देने के लायक है सिर्फ वही दे सकते हैं, दूसरे के लिए ये कंपलसरी नहीं है। तो ये जो फेस्टिवल है ईद उल अज़हा, इसका मतलब सिर्फ एक ईद नहीं है, सिर्फ एक खाना पीना नहीं है। इसका मतलब है जो आपका जो माइंडसेट है कि आप गरीबों के लिए सोचते हैं, आपके कम्युनिटी के लिए सोचते हैं, आप नेबर के लिए सोचते हैं, आपके आसपास के लोगों के लिए सोचते हैं और जो मुस्लिम है उनके लिए सोचते हैं। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि ये ईद, ये कुर्बानी एक ऐसा एक इसका आलम बने जो सब इंसान के लिए पीस, यूनिटी, एमिटी और ह्यूमिनिटी ले आए और सबको ईद मुबारक और दुनिया में अमन और शांति बहाल रहे। मिजोरम की प्रशिक्षित नर्स संघ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर यह घोषणा की है कि आगामी 23 अगस्त को पूरे देश के नर्स एसोसिएशन के साथ ही मिजोरम की नर्स एसोसिएशन भी रैली का आयोजन करेगी। उन्होंने कहा कि मिजोरम के कई अस्पतालों में नर्सों की कमी है। सरकार से उन्होंने रिक्त पदों पर नर्सों की नियुक्ति का आग्रह किया है। मिजोरम की नर्सों ने साथ ही केंद्र के समान पैकेज की मांग की है।
हाथी और मनुष्य के बीच संघर्ष का एक और मामला सामने आया है। इस बार उदयपुर के चंपाराय बारी में एक हाथी ने शिव बहादुर जमातिया नामक व्यक्ति की बड़ी बेदर्दी से हत्या कर दी। इस हाथी को महारानी इलाके से लाकर एक पेड़ से बांध दिया गया था। जब शिव बहादुर वहां से गुजर रहा था तो उस हाथी ने उस पर हमला कर दिया और उसको मार डाला। बाद में वन विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई की। आज के शिव बहादुर जमातिया बारी पास हाथी आसलो बारी थे के আসার পথে তাকে ধরে চুমড়ে মেরে ফেলেছে, তার উনার জায়গাতে মৃত্যু হয়েছে। এটা কি কোন জায়গা? এটা এটি রায়া চাপড়াই বাড়ি। চাপড়াই বাড়ি হাতিটা কি এখনো আছে জায়গাতে? এখনো আছে। হাতিটা কি রাখছে এই জায়গাতে? মাউটরা রাখছে। মাউট ছিল না এই সময়? মাউট নাই এই সময়। মাউট কি এখন বাইন্ডার বাইন্ডার ফেলে গেছে? তারা বাইন্ডার গেছে গা।